रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी और लोको पायलट की प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क रेल पास जारी किए जाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने गुरुवार को पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांग संबंधित ज्ञापन सौंपा। यूथ कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा प्रतियोगी परीक्षा देश के कोने कोने में आयोजित की जाती है, जिसे गरीब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुँच पाता है, जिसके मद्देनजर अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क रेल पास जारी किया जाना चाहिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव बादल चतुर्वेदी ने कहा, होश में आओ, होश में आओ, रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम यूथ कांग्रेस के साथी और जिला कांग्रेस कमेटी के साथी रेलवे जीएम को जो रेलवे की होने वाली परीक्षाओं को लेके ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी मांगे हैं जो परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षा का केंद्र बदला जाए या उनकी रेल किराया परीक्षा के दिन माफ़ की जाए। इसको लेके आज हम यूथ कांग्रेस के साथी जिला अध्यक्ष अभिजीत पाठक, बादल चतुर्वेदी, राजू विश्वकर्मा, रामनाथ निषाद, गुड्डू तिवारी जी के संयुक्त नेतृत्व में, निर्मला पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग जीएम कराले पे ज्ञापन देने। जो भी गरीब छात्र हैं उनका सेंटर पर उत्तर प्रदेश का सेंटर भोपाल, पंजाब का सेंटर उत्तर प्रदेश गया है। इस कारण हम लोग मांग करते हैं कि परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों की निःशुल्क रेल सुविधा मुहैया कराया जाए।